डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। भारत के खिलाफ चालबाजियां करने के चक्कर में पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें करता आ रहा है जिसका खामियाजा भी उसे ही भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ चाले चलता रहा है। अब उसकी नजर विदेश में स्थित भारत के सैन्य बेस पर है और वो ताजिकिस्तान में। भारत को घेरने के चक्कर में अब पाकिस्तान ताजिकिस्तान को अपने पाले में करना चाहता है। जब ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे तो इस्लामाबाद ने इस यात्रा को एक अवसर के तौर पर देखा। उसने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए उनके स्वागत में अपने JF-17 लड़ाकू विमान को अगुवाई करने के लिए भेजा। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से इमरान खान की चापलूसी नजर आती है। आमतौर पर पाकिस्तान ऐसा तभी करता है जब इसमें उसका फायदा जुड़ा होता है और ताजिकिस्तान के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। जब ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति का विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया तो JF-17 लड़ाकू विमानों ने उसे अपने घेरे में लिया। पाकिस्तान की तरफ से ये सेवा उन्हीं मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को मिलती है जिनके या तो पाकिस्तान संग करीबी संबंध हैं या फिर पाकिस्तान उनके साथ रिश्ते बनाना चाहता है या फिर उसे किसी देश से भारी भरकम कर चाहिए हो। इमोमाली रहमान की इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा इसके साथ ही हथियारों की समझौता भारतीय दृष्टिकोण से काफी अहम है। इसके पीछे की वजह ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगने वाली 1400 किलोमीटर की सीमा है। यह इलाका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आतंक से निपटने के लिए भारत ने दुशांबे के पास आईनी एयरबेस को भी तैयार किया है। इस एयरबेस के जरिए चीन और पाकिस्तान पर नजर रखी जाती है। आईनी एयरबेस बनाने का फैसला करगिल युद्ध के समय किया गया था। इस एयरबेस पर 150 की संख्या में भारतीय सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। भारत और ताजिकिस्तान के बीच लंबे समय से सैन्य संबंध है और आईनी एयरबेस इसका एक जीता जागता सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।